नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका जीएन भारत में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष, जहाँ पे लोग अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष इकट्ठा होते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि उनकी मांगे जो है पूरी की जाए। हम आपको बैनर के तले दिखाते चले इस वक्त की अनुबंध कर्मी जो है समायोजन की मांग को लेकर लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनका यही सरकार से निवेदन है कि उनकी मांगे जो है सरकार से पूरी की जाए। हालांकि हम इन लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं और ये लोग कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम विजय रविदास, लैब टेक्नीशियन गोड्डा से। जी, आप लोग यहाँ मौजूद हुए हैं काफी संख्या में, क्या कुछ कारण है, क्या कुछ सरकार से आप लोग की मांगे हैं? देखिए, हम लोग 2400 जिला से यहाँ आए हुए हैं। सरकार से हमारा मांग है कि हम लोगों का नियमितीकरण करे, इसलिए कि आज से 10 से 15 साल 16 साल 18 साल से अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं। इतने पैसे कम मानदेय में हम लोगों का न तो घर चलता है, न बाल बच्चे को अच्छे शिक्षा दे सकते हैं। इसी कारण सरकार से हमारा मांग है कि हम लोग का जल्द से जल्द नियमितीकरण करें। 2014 के नियमावली के अनुसार जिस तरह किए थे कुछ लोगों को पहले 2014 में किए थे, उस तरह विभागीय समायोजन कर रहे, यही हमारी मांग है। क्या कुछ आप लोग की सैलरी दी जाती है? सैलरी अभी वही 15-16 हज़ार के आसपास दी जाती है। क्या कुछ चाहते हैं सरकार, कितने तक की सैलरी? देखिए, सरकार से हम चाहते हैं कि हमारे साथ दोस्त साथी जो काम करते हैं, सेम काम करते हैं, उसको 50,000 दरमा दी जाती है और हमें 10,000 से 15,000 दी जाती है। तो या तो समान कार्य का समान वेतन दे, अभी जब तक कि नियमितीकरण नहीं करते हैं, अनियमितीकरण कर देंगे तो हमें तो फिर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। जी, जैसा कि भैया ने बताया कि सरकार दो नजरिया कर रही है। जी बिल्कुल कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। देखिए दीदी लोग कहाँ बंगाल क्षेत्र से आए हैं, कहाँ गढ़वा से आए हैं, भूखे प्यासे छोटा छोटा बच्चा लेके बैठा हुआ है। देखिए उधर देखिए, आप सरकार की कभी सुधी ली हम लोग का? नहीं लिया ना। आज 16 साल से बैठे हैं, 16 साल से भूखे प्यासे, धूप में, ठंडा में, गर्मी में, कभी अपना चिंता नहीं करते हैं, अपना बच्चों का चिंता नहीं करते हैं, कई बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, हेमंत बाबू हमारे जोहार यात्रा में गया हुआ था, वादा भी किया था कि जैसे भी हमारी सरकार बनेगी भैया तुम लोग हमको मदद करो। हम लोग तो खुल के मदद किए, एक के बदले हम 10 नहीं, 10 के बदले हम 50 वोट दिलाए हैं, 50 वोट दिलाए हैं दीदी। यही बोला गया था कि हमारी सरकार बनी तो 3 महीना में आप लोग का अनुबंध समाप्त हो जाएगा, और आज तक क्या सरकार हम लोग का सुधी ली है क्या? नहीं ली है ना। हम लोग 15-16 हज़ार वेतन में क्या क्या चलेगा घर द्वार? हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, रिम से जाना पड़ेगा, बम्बई जाना पड़ेगा। क्या बम्बई का भाड़ा देखिए एसी में कितना है, और देखिए लोकल टिकट में कितना है, क्या हम लोग का पूरा होगा? आज का जो सरकारी वेतन मिलता है उनके लिए चीनी का भाव 44 टका है, और जिसका 16 हज़ार है उसके लिए भी 44 रुपया है। बताइए क्या लगता है, सरकार जो है वो वादा खिलाफी की है आप लोग? बिल्कुल वादा खिलाफी किया है, 3 महीना करके 3 साल गुजार दिया, इससे बड़ा भुलावा क्या दे सकती है सरकार? इससे बड़ा भुलावा तो दे नहीं सकती ना। बोलने के लिए क्षमा भी चाहते हैं उनसे, हम चाहते हैं हेमंत भैया कम से कम हम लोग को इतना कीजिए कि जैसे परमानेंट लोग को किए हैं, जब तक नियमितीकरण आप नहीं करते तब तक समान काम का समान वेतन दे दें, और जब नियमितीकरण कर दीजिएगा तब तो आपकी वाहवाही की दोबारा की तेबारा सरकार आपका ही बनाएंगे। हम लोग एक नहीं 50 वोट ने 100 वोट फिर दिलाएंगे। मेरा परिचय है, पाकोड़ जिला से लैब टेक्नीशियन है हम। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों में जो है आक्रोश नजर आ रहा है और उनका कहना है कि सरकार जो है दो नजरिया कर रही है और सरकार उनके ध्यान भी नहीं देती है, जिनपे हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, हम महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है महिलाओं का। कहाँ से आए हैं आप? बुंडू से हैं। सरकार बनने से पहले जो है तरह तरह के वादे करती है और अब जो है कहीं ना कहीं वादा खिलाफी कर रही, जिसकी वजह से आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही, दो नजरिया कर रही है सरकार, कितनी तकलीफ होती है? आप एक महिला है, हम लोगों को बहुत तकलीफें हो रही है। हम लोगों का आज 12 साल, मैं 12 साल से खट रही हूँ अनुबंध पे, ये सबसे बड़ी ये है हम लोग के लिए। इतना हम लोग खटने के बावजूद आज हम लोग स्थायीकरण नहीं हो पा रहा है, हम लोग आज सड़क पे आना पड़ रहा है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत तकलीफें हो रही है हम लोगों को भी लोगों का सेवा करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग जब खुद हमारा पेट नहीं भर रहा, हमारे बच्चे का पेट नहीं भर रहा, स्कूल मतलब अच्छे स्कूल में हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे, तो मजबूरन हम लोग आज सड़क पे उतरना पड़ रहा है, यही सब है।
हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से वस्त्र में जो है यहाँ पे मौजूद है। सरकार से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार के द्वार भी गए, सरकार आपके द्वार आई जोहार यात्रा में, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा है उनके वादे के मुताबिक, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो इसी तरह का अगर चलता रहा तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति तो हम लोग तो यही तय किए हैं कि अगर हम लोग का मांग अगर पूरा नहीं होगा तो हम लोग जहाँ पे जिस के लिए अड़े हैं हम वहीं पर रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा ना हो। आज से हम लोग का 15-16 साल हो गया, लेकिन हम लोग को सिर्फ सरकार हम लोग को टालते जा रही है कि आज एक लॉलीपॉप दे दिया, बस कल फिर दूसरा लॉलीपॉप के लिए तैयार हो जा रहे हैं। वैसा नहीं है। आज अगर हम लोग रोजगार के लिए हम लोग तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, आदमी बीमार है, बीमार व्यक्ति दवा करने के लिए तरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकार की गलती है, हम लोग की गलती नहीं है। हम लोग नियमता हम लोग को जो बोला जा रहा है वो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं है। अगर हम लोग की सिस्टर अगर कल मर भी जाती है ना, तो उसके आगे का फ्यूचर, उसके बाल बच्चा का फ्यूचर के लिए कुछ नहीं है। इसलिए देखिए हम लोग चाह रहे हैं कि अगर हम लोग को समायोजन नहीं करता है सरकार, तो हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। क्योंकि आज नहीं, हम लोग 15 साल पहले से भी हम लोग ये चीज़ हम लोग बोलते जा रहे हैं कि अगर सरकार अगर हम लोग को इतना कम वेतन में, इतना कम ये में, हम लोग 22 साल की उम्र में हम लोग यहाँ काम करते करते आज हम लोग 40 पार कर गए। सोचिए कि आज हम लोग कहीं का भी नहीं है, ना हम घर का हुए ना बाहर का हुए, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? अगर हम नहीं लड़ाई करेंगे, अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो फिर कौन लड़ देगा? आज हम लोग के बाल बच्चा अगर हम लोग को कुछ हो जाता है, रोड पे आ जाएगा, उस समय सरकार कहाँ जाएगी? मेरा नाम है सुनीता कुमार, रांची जिला से है और संघ के साथ है। तो जैसा कि आपने सुना कि महिला का कहना है कि लगातार इन लोगों का प्रयास रहा है कि सरकार इन लोगों के वेतन में वृद्धि दे और इन लोगों को जो है घर में जिनकी तकलीफें हो रही है उनसे इन लोगों को ताकि आराम फरमाए। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे काफी लोगों जो है काफी संख्या में काफी तादाद है, महिला और पुरुष सारे एकत्रित हुए हैं, सरकार से यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरी की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पे कब तक गौर करती है और इन लोगों को कब तक न्याय मिलता है। ऐसे ही ताजा इन खबरों के लिए बने रहे जीएन भारत के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा खान। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।